राजभर एक्सप्रेस न्यूज चैनल के निर्माता बड़े भैया अखिलेश राजभर जी, वो भी मंच पे आए और समाज के लिए दो शब्द कहें, जोरदार ताली होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को जय सुरेंद्र दो। मंच पे उपस्थित नव निर्वाचित अध्यक्ष अनिल राजभर जी, महामंत्री अखिलेश राजभर जी, केंद्रीय कमेटी के सदस्य अंगिरा मुनिभर जी और गांधीवली शाखा के अध्यक्ष राम राजभर जी और हमारे मित्र और मंच को संचालन करने वाले अनिल राजभर जी गायक, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। समाज तरक्की कर रहा है और होनी भी चाहिए, जिस हिसाब से हमारे समाज में लोग आज एक्टिव हो रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, तभी हमारा समाज विकास कर सकता है। समाज में जैसे घटनाएं होती रहती हैं, हम सहयोग के लिए हाथ कहीं ना कहीं से आते रहेंगे, चाहे यहाँ हो, चाहे मुंबई हो, चाहे यूपी हो, कहीं से भी हम समाज से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदें हैं, हम संस्था चला रहे हैं तो उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तो सहयोग मिलेगा। तो जितनी भी कोशिश करनी है, हमें एक दूसरे को जोड़ के रखना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहयोग देना जरूरी है। समाज का पैसा समाज पे ही देना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो समाज के लोग कैसे हमारे पास आएंगे और समाज से जुड़ेंगे कैसे। रही बात एजुकेशन, एजुकेशन में कमी तो है, उसको दूर करना अभी हमारा ही फर्ज है। जैसे संस्थाएं के माध्यम से भी एजुकेशन के बारे में करियर काउंसिल ये होनी चाहिए। लोगों को नॉलेज नहीं रहता है, जब माँ बाप भी पढ़े नहीं रहेंगे तो बच्चों को कौन सी लाइन में डालना है उन्हें खुद नहीं पता रहता है। तो हमारी जो संस्था है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी संस्था है, इसके लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। लोगों को कहीं ना कहीं एक सूत्र में बांध के रख रही है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ। लोग जुड़ भी रहे हैं, आज 2000 से ऊपर इसमें सदस्य हैं और मैं नए अध्यक्ष जी में ये कामना का आशा करता हूँ कि जो ये चुनाव के समय आप लोग जो लोगों को मेंबर बनाते हैं उस समय ना बनाएं, लोगों को ज़्यादा जोड़ना हमें, तो शुरुआत अभी से हो जानी चाहिए ताकि उसका गलत फायदा हो, गलत इफेक्ट जाता है कि 40 साल से संस्था है तो अभी 2000 मेरे ख्याल से बहुत कम है, आज कम से कम 50,000 से ऊपर होनी चाहिए संस्था में लोग। अब ये आपको कैसे, आप लोगों को कैसे करना है कि थोड़ा प्राइस का थोड़ा जो है आजीवन सदस्य का वो कम कर सकते हैं तो लोग ज़्यादा जुड़ने, 500 भी आज के डेट में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ पे कोई भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो संस्था पहुँच के काम करती है, इसलिए एक जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। मेरे बारे में मैं परिचय दे दूँ, मेरे बारे में तो बताया ही नहीं, मैं एक चपरासी का जॉब करता हूँ बीडीबाई कॉलेज के अंदर। समाज सेवा करने के लिए मैं मॉर्निंग की ड्यूटी लेता हूँ कि समाज सेवा दोपहर के बाद फ्री हो जाऊँ। सब धन्यवाद देता हूँ मेरे घर वालों को कि कहीं भी जाता हूँ तो रोकते टोकते नहीं है, सिर्फ ठीक है जाइए आराम से आइए, कोई गाय कोई चिंता नहीं है, हम लोग हैं। एक जोरदार तरीके हमारे परिवार के लिए होनी चाहिए, क्योंकि समाज, अगर हम समाज में हैं तो हम परिवार की वजह से, अगर परिवार हमारा नहीं चाहेगा तो हम समाज में नहीं आ पाएंगे, तो परिवार का भी सहयोग जरूरी है। और राजभर एक्सप्रेस चैनल बनाने का भी एक उद्देश्य है कि समाज में जो भी हमारे हिसाब से समाज में हर लोग जुड़े हैं, आप अपना योगदान देते हैं, हर एक आदमी अपना 1% भी योगदान देगा तो 100% हो जाता है। तो हम छोटे छोटे आदमी का भी कार्य लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को कुछ सीख मिले इससे, कि कहीं ना कहीं उनकी बातों में कहीं ना किसी को कुछ नॉलेज मिले कि इन्होंने ये चीज़ कैसे समाज आगे जा रहा है। तो हमारा यही है कि अच्छे कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करना है, इसलिए ये चैनल बनाया गया समाज के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद गांधीवली शाखा की तरफ से आपको।